नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी स्लीव की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। यहाँ पर हमने ये स्लीव के अलावा दो स्ट्रिप ली है, ये पिंक कलर में। इनकी चौड़ाई 2.5 इंच की है, दोनों स्ट्रिप की चौड़ाई 2.5 इंच की है। फिर स्लीव जो है उसकी लंबाई के अलावा हमने यहाँ पर एक और स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच की है। और जो हमारी स्लीव है उसमें हमने सिलाई के मार्जिन के अलावा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में। तो अभी हमें यहाँ इसकी जो विड्थ है उसको हमें कट नहीं करना है, उसको वैसे ही रखा है। अभी ये जो हमारी पिंक कलर की स्ट्रिप है इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ से इसको मार्क करेंगे। मैंने इसे फोल्ड करके इसके ऊपर आयरन किया है इस तरह से, और इसको सेंटराइज करके एक मार्क देंगे ताकि इसके सेंटर पे एक मार्क आए। और इस मार्क के आगे आगे हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे ये पूरी स्ट्रिप पे, सेंटर से इस साइड में और दूसरी साइड में 1.5 इंच के गैप से हमें ये मार्क्स देने हैं। ये मार्क्स देने के बाद इनको यहाँ पर हम हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। गोलाई इतनी ही देनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं देनी है, ऊपर का काफ़ी हिस्सा खाली रहे इस तरह से ध्यान रखना है यहाँ पर। और जो हमने मार्क दिए हैं उसके ऊपर सिलाई लेनी है। जब ये सिलाई लेते हैं तो आप छोटी अपनी सिलाई की विड्थ को कम कर दीजिए और उसके बाद में सिलाई लीजिए, इसकी गोलाई अच्छी आएगी। इस तरह से सारे मार्क पर हमें ये सिलाई कंटिन्यू लेते हुए जाना है। इस तरह से हमने ये सारी सिलाई ली है, देखिए सही गैप से ये सही शेप में ये सिलाई आई है। अभी इसके अंदर का जो हिस्सा है वो हम कट करेंगे ताकि इसे हमें राइट साइड में टर्न कर सके। तो ये जो सिलाई है उसके अंदर का जो हिस्सा फोल्डेड है वहाँ से हम इसे कट करेंगे इस तरह से। और सिलाई का मार्जिन बहुत कम छोड़ा है हमने यहाँ। ये सारा कट करने के बाद इसे राइट साइड में टर्न करना है प्रॉपरली और फिर इसके ऊपर आयरन से इसे सेट करेंगे। यहाँ पर हमने इस स्ट्रिप पर आयरन की है और इसे सेट किया है। अभी ये जो हमारी स्ट्रिप है स्लीव की, वहाँ उसके राइट साइड में हमें ये स्ट्रिप कर्व वाली इसके ऊपर राइट साइड में इस तरह से प्लेस करनी है और इसके ऊपर सिलाई लेंगे। ये स्लीव के कलर की जो हमने स्ट्रिप ली है 5 इंच की, ये वो वाली स्ट्रिप है। और इसके ऊपर ये सेट करने के बाद हमें जिगजैग की स्टिच लेनी है। अगर आपकी मशीन में जिगजैग का फीचर है तो उसके बाद में यहाँ पर एक जिगजैग की स्टिच ले लीजिए। जिगजैग की स्टिच लेने के बाद इसे इस तरह से टर्न करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच देंगे। इस तरह से ये यहाँ पर अटैच हो गई है। उसके बाद में यहाँ इसके ऊपर हमें टक्स देने हैं, तो इसके लिए ये टक्स हमारे 1/2 इंच का होगा, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। तो इस तरह से जो हमारी स्ट्रिप है उसके आगे लगभग 1 इंच का हमने ये फोल्ड किया है और 1/2 इंच तक ये हिस्सा रख के उसके ऊपर सिलाई लेनी है। जैसे ये हमारा 1/2 फुट है उसे थोड़ा ज़्यादा गैप रखा है हमने, और इस तरह से ये हमने टक्स लिया है। इसके आगे एक और टक लेना है सेम गैप रखते हुए ऐसे ही। इस तरह से ये दोनों टक्स हो गए हैं और उसके बाद में हमारी ये जो स्ट्रिप है इस तरह यहाँ पर प्लेस करनी है, और जो हमने टक लिया है उसे थोड़ी ऊपर की साइड में रहे
और फिर यहाँ पर आप बस इसे सेट करके इसके ऊपर सिलाई लेंगे। अगर ये हमारी स्ट्रिप थोड़ी एक्स्ट्रा है तो उसे एक्स्ट्रा वाला हिस्सा ऐसे ही एक्स्ट्रा रखना है। बस जो ये हमने कर्व के शेप दिए हैं वो टक्स के पास पास में बराबर रहने चाहिए फिनिशिंग के साथ में। इस तरह से ये स्ट्रिप यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर एक्स्ट्रा जो मार्जिन है यहाँ इस पट्टी का, इसे कट करेंगे। और कट करने के बाद अभी हमें लेनी है हमारी स्लीव। स्लीव का जो राइट साइड है इस पट्टी को वहाँ पर प्लेस करना है। ये स्लीव का हमारा राइट साइड, और इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। और जो ये सिलाई दिख रही है उस सिलाई के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लेनी है ताकि ये फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर अटैच हो जाए। ये सिलाई लेने के बाद हम यहाँ पर फिर से एक जिगजैग की स्टिच लेंगे। जिगजैग की स्टिच लेने के बाद यहाँ एक टॉप की स्टिच देनी है इस तरह से, जैसे हमने पहले किया है वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। यहाँ इसके बाद में हम दो ये टक्स यहाँ पर भी अटैच करेंगे। और ये डिज़ाइन आप लॉन्ग स्लीव में बनाते हैं तो भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लुक देगी। जो दो टक्स हमने नीचे लगाए हैं वैसे ही यहाँ पर भी स्टिच करने हैं। इस तरह से दोनों हमारे टक्स हो गए हैं और ये डिज़ाइन पूरी बनके रेडी है। हमें आयरन से इन टक्स को नीचे की ओर सेट किया है और स्लीव को इस तरह से सेंटराइज करके यहाँ नीचे जो स्लीव की विड्थ है वो और इसका मार्जिन मार्क करके हम इसे कट करेंगे, क्योंकि ये विड्थ और हमने कट नहीं किया था। टक्स के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए हम विड्थ को पहले कट नहीं करते हैं। और ये डिज़ाइन हमारी बनके रेडी है। अगर आप चाहें तो इन जो कॉर्नर्स हैं निकले हुए वहाँ पर कोई भी मोती अटैच कर सकते हैं। इसे फैंसी लुक देना है तो, और सॉबर लुक देना है तो इस तरह से आप ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।